ओ अरे, आज तो गूगल मीट से वो करना था, फिर ये 40 मिनट बाद एंड हो जाएगा। चलो कंटिन्यू कर लिए तो चलो मीटिंग करते हैं। क्यों सर 40 मिनट बाद एंड हो जाएगा? अरे जूम, अब क्लास गूगल मीट पे होगी क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन हमने वो कंटिन्यू नहीं किया है, तो सब्सक्रिप्शन एंड हो गया हुआ है ना। तो सर लिमिट का लिंक भेज दीजिए, ज्वाइन हो जाता हूँ वहां पर। ठीक चलो अब ये स्टार्ट हो गया तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं फिर इसके बाद। ये था ना 11th। अच्छा ये रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। यही है ना, तो बताओ क्वेश्चन ट्राई किए हो तुम लोगों ने, देखते सर 17 17। ओके अच्छा, मुझे तो ये है फुल लेंथ टेस्ट 11। सेवेंटीन तो क्या बोल रहा है, कॉइन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/3 एंड ऑन द अदर कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 1/2। और ये तुमसे क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम टू कॉइंस एंड इट इज टॉस, द आउटकम ऑन द टॉस इज हेड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फेयर कॉइन। सो क्लियर, दो कॉइन है ना, फेयर कॉइन का मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी 1/2 गेटिंग है ना, हेड और टेल। ये है ना आपका जो हेड हस का हाफ है प्रोबेबिलिटी, वो दो कॉइन है, पहला कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और दूसरे कॉइन पे हेड की हाफ है, दूसरा वाला कॉइन जो है वो फेयर कॉइन है। तो द आउटकम ऑन टॉस्ड कॉइन इज हेड है ना, तो कुछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फेयर कॉइन इज। तो ऐसा करता हूँ, वन हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सो प्रोबेबिलिटी टेल ऑन फर्स्ट कॉइन 2/3 हो जाएगा एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन 1/2 ही रहेगा। तो इसमें दो कॉइन है, पहले तो आपको एक कॉइन सेलेक्ट करना है, तो दो ऑप्शन है, मतलब यू विल सेलेक्ट फर्स्ट कॉइन, लेट्स से कॉइन वन, एंड दूसरा है यू विल सेलेक्ट कॉइन टू है ना। अब आपको दे रखा है कि आउटकम क्या आया, हेड आया, कोई भी कॉइन सिलेक्ट किया आपने तो आउटकम हेड आया, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेयर कॉइन था, तो फेयर कॉइन दूसरा वाला है, तो ई टू गिवन ए, तो ये तो इजी है शायद, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गिवन ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब बेस थ्योरम लगेगा ना, यस सर। तो इसको अप्लाई कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए गिवन ई टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन क्या है, ई टू क्या है, दो कॉइन है, आप एक कॉइन सेलेक्ट करेंगे एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई, सो वन ऑफ द कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम है ना, तो ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज हाफ, और अगर आपने ई टू सेलेक्ट किया है तो हेड आने के क्या चांस है, हाफ है ना। सिमिलरली अगर आपने पहला कॉइन सेलेक्ट करने के चांस हाफ है, और अगर आपने फर्स्ट कॉइन सेलेक्ट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा है ना, तो उसके लिए फर्स्ट कॉइन पे तो हाफ ही था, सॉरी फर्स्ट कॉइन पे हाफ नहीं ना, फर्स्ट कॉइन पे 1/3 हाफ इनटू, और अगर आपने सेकेंड कॉइन चुना तो हाफ, तो ये सिंपलीफाई कर लीजिए, हाफ 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 कैंसिल हो गया,
तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 5/6 आई थिंक। सो सिंपलीफाई कर लो, 1/2 इंटू 6/5 तो 3/5 देखो, ठीक है। यस सर, ओके सर। और नेक्स्ट बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 6 पीछे जाऊं तो? हाँ सर, 6। तो ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट, क्या डाउट है इसमें बताओ? सर बी और सी स्टेटमेंट में से डिफरेंस क्या है उसे पूछ रहा था मैं, तो दोनों ही वाई वेरिएट होगा ना। अगले, पहले मैंने भी वो गलती की थी जब शुरू में फर्स्ट बैच में पढ़ाया था। हाँ वही सर, मेरे को भी दिक्कत आ रहा था, समझ नहीं पाया मैं थोड़ा। एक्चुअली दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा, दोनों अलग चीज है, हमने एक बार डिस्कस किया था क्लास में। तो देखिए इसमें क्या है कि जब आप ये बोलते हैं कि एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल, तो इसका होता है इफ एंड ओनली इफ। ये कोई बताओ क्या लिखूं, आपको क्या पता है इसका डेफिनेशन, बाइवेरिएट नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? आप में से को बताओ क्या लिखूं आगे, किसी को नहीं पता ऐसे कैसे भाई? बाइवेरिएट नॉर्मल कैसे डिफाइन करते हो आप लोग, कोई तो बोलो। सच में नहीं किसको बताया भाई, व्हाट इज डेफिनेशन? दो डेफिनेशन मैंने बताए होंगे, कोई भी एक डेफिनेशन बताओ। कि रैंडम वेरिएबल बाइवेरिएट नॉर्मल कब होगा, मतलब आगे कुछ तो होगा इम्प्लीकेशन, या ऐसा होगा तो बाइवेरिएट नॉर्मल है, या नॉर्मल है तो ऐसा होगा। तो इंडिपेंडेंस इक्वल टू कोवेरिएंस जीरो, अगर ये डबल इंप्लाई करे तो टू वे। नहीं नहीं वो तो अच्छा, पीडीएफ से बोलते हैं ना कि बाय। यस यस, एक वो भी तरीका आपके पास कि जॉइंट पीडीएफ, आपको पता है कि 1/2, तो ये भी एक डेफिनेशन है। यस, अगर आप ऐसा लिख पाते हो, so f of x comma y जो होगा x y, this is 1/√2π/√y, तो क्या हो जाएगा 2π σ1 σ2 1 minus rho square, ऐसा था ना? तो एक तो ये डेफिनेशन था कि 1 minus rho square, फिर e की पावर -1/2 1 minus rho square, और यहाँ मान लो चलो q x y मैं लिखा होगा तब, तो जहाँ q x y जो होगा, जहाँ पे क्यू एक्स वाई जो है, वेयर क्यू एक्स वाई जो होता है, ये होगा आपका कितना, कोई बताओ? ये क्यू एक्स वाई पता है, एक्स माइनस म्यू वन बाई सिग्मा वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस म्यू टू बाई सिग्मा टू होल स्क्वायर माइनस टू रो आगे सिग्मा वन सिग्मा टू इंटू एक्स माइनस म्यू वन अपन सिग्मा वन इंटू वाई माइनस म्यू टू अपन सिग्मा टू। ठीक है, ये स्पेस नहीं है, समझ जाना वही है। तो ये फॉर्मूला है, एक तो ये हो गया डेफिनेशन, जो भी जॉइंट पीडीएफ इसको अगर फॉलो करेगा तो वो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। आप तुमने ग्रुप का मैसेज नहीं पढ़ते क्या शिवम? ग्रुप में मैंने कल पोस्ट किया था ना शाम को, जो असाइनमेंट वाला ग्रुप है जिसमें मैं और सेसर पोस्ट करते हैं, उसमें देखो कल का पोस्ट किया मैंने, कल की क्लास जब एक्सटेंड आज हुई तो उसमें नहीं लिखा था। तो ठीक है, एक तो ये, दूसरा डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दिया। हाँ कोई बात नहीं, उसको देखना।
तो हमने कहा था कि अभी जैसे हमारा क्या चल रहा है, फुल एक एक फुल एक प्रीवियस ईयर पेपर, एक नॉन प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसे चल रहा है। तो ये अभी हमने 15 से 21 तक का कराया है, अभी 14 से 5 तक का कराएंगे, उसके बाद 22 का पेपर कराएंगे, सबसे एंड में 22 का पेपर कराएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन जो है बाइवेरिएट नॉर्मल का, वो ये है कि लाइक कि एक्स वाई दिस इज बाइवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, कोई दूसरा बताओ, किसने बताया था बीच में, जाने दिया, हाँ क्या था दूसरा, एक तो ये जॉइंट पीडीएफ वाला है कि इस फॉर्म में अगर तुम जॉइंट पीडीएफ को लिख सको तो बाइवेरिएट नॉर्मल है। दूसरा क्या है, AX plus BY has normal distribution. Yes, so AX plus BY has normal distribution for all XY. This has normal distribution for all A belongs to real number, for all B belongs to real number. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऐसा होगा तभी तुम बोल सकते हो bivariate normal, if and only if है ये। अब देखो option B, ऑप्शन बी जो कह रहा है एक्चुअली आपका कि एक्स नॉर्मल है वाई नॉर्मल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल होगा, ऐसे एग्जांपल्स हैं आप चेक कर सकते हो, रोहतगी में भी दिया हुआ है। सो एक्स नॉर्मल है वाई नॉर्मल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है, या एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। बी और सी का स्टेटमेंट डिफरेंट है, तुम्हें समझना होगा। अगर हमने सी ऑप्शन में लिखा है एक्स वाई बाइवेरिएट नॉर्मल, हम ये बता रहे हैं आपको कि इसका हर लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा, ए एक्स प्लस बी वाई नॉर्मल होगा। बट बी ऑप्शन जरूरी नहीं है करेक्ट है, क्योंकि एक्स वाई नॉर्मल है तो कोई जरूरी नहीं एक्स प्लस वाई नॉर्मल हो। ठीक है, तो इस यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ बाइवेरिएट नॉर्मल था, हर लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा, तो इसलिए ए एक्स प्लस वाई नॉर्मल हुआ, सी ट्रू ऑप्शन है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा, अगर आप दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, सो लाइक अगर यहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो इंडिपेंडेंट है तो जॉइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन्स हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट है तो रो जीरो होता है इसमें, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है नॉर्मल में, तो फिर वो इस पीडीएफ पे आ जाएगा। तो अगर इंडिपेंडेंट नॉर्मल है सो यहाँ पे क्या है, थ्योरम लिख दो या रिजल्ट कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल, अगर है इंडिपेंडेंट नॉर्मल देन एक्स प्लस वाई आर सॉरी एक्स प्लस वाई इज नॉर्मल, तो x प्लस वाई जो होगा ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया है देन यू आर नॉट श्योर, ऐसा जरूरी नहीं है। रिमार्क में क्या है कि इफ x एंड y आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, y आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो जरूरी नहीं है कि देन x प्लस वाई मे नॉट बी नॉर्मल। ठीक है, सो ये आपको याद रखना, इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो फिर ऑब्वियसली होगा, या आपको बाइवेरिएट नॉर्मल दिया तो उस केस में लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बताइए। एमएसक्यू क्वेश्चन नंबर 4, एमएसक्यू क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा ये 21 ने क्या पूछा है कि x1 x2 x5 जो है रैंडम वेरिएबल है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लैम्डा, तो c1 x बार कॉमा c2 x बार जो है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है म्यू का, तो c1 प्लस c2 क्या होगा। ओके, ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्वेंटी वन में जो है जो आपका पीडीएफ है एक्स का वो है मीन लैम्डा, इसका मीन लैम्डा मतलब वन बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा एक्स मोर देन जीरो। अब आपने क्या किया है कि है ना, सो अब आपके पास क्या है, आपको एक इंटरवल दिया है सी वन एक्स बार कॉमा सी टू एक्स बार, और ये क्या है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, आपको सैंपल साइज 5 है। सो इसका डेफिनेशन बताओ कोई, इसका क्या मीनिंग हुआ,
इसका क्या मीनिंग है? पर म्यू की वैल्यू जो होगी वो इस इंटरवल के अंदर होगी, इसके चांसेस 90% है। हाँ, तो मैथमेटिकली आपका ये मतलब हो गया, ठीक है। सो अब कि म्यू की वैल्यू है ना, सो यहां से अगर मैं लिखूं, कैसे लिखूं, म्यू अपॉन एक्स बार, एक्स बार अपॉन म्यू, तो यहां से बताओ मुझे, अगर आप वाई लेते हो एक्स अपॉन म्यू, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? कोई ट्राई कर बताओ, एक्स अपॉन म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सॉरी एक्स अपॉन लैम्डा का, और यहाँ पे तो वो है ना म्यू है। अच्छा, तो हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। एक सर, हम लोग वो मैंने का वो जानते ना इंटरवल, हाँ जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिया तो नहीं कर सकते है। उसका क्या आता है बताइए, आपने ड्राइव किया हुआ क्या आंसर है, ट्राई कर सकते हैं उससे। सर यहाँ पे वो रिवर्स में दिया हुआ है, मतलब कि मीन जो है यहाँ पे लैम्डा है ना, वहाँ पे मीन वन अपॉन लैम्डा होता है। सर डिराइव कर सकते हैं? अच्छा, फिर ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ, उसको हम ड्राइव किया होगा मैंने क्लास में, भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे करके देते हैं वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अगर उससे कर रहे हो ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे इससे भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक्स अपॉन लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मुश्किल है क्या? गामा 1, 1। तो आपका गामा 1, 1 आ गया, तो यहाँ से मैं, सो मान लो ये वाई आई है, सो यहाँ से कुछ मिलेगा आपको सी वन से सी टू में है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्स बार से इसको डिवाइड कर दे, फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो एक्स बार अपॉन लैम्डा हो जाएगा ये। तो एक्स बार अपॉन लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं आप, तो ये 90% है और गामा एक्स मोर देन जीरो है ना, तो वहाँ से आप काई स्क्वायर में कन्वर्ट उससे तो ट्राई कर सकते हैं एक तरीका, नहीं तो ड्राइव कर लीजिए उससे। सो एक तरीका ये भी है, यहाँ से मैं दो नंबर डिसाइड करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में आपको चाहिए 1 - α, ये 1 - α है, तो ये हो जाएगा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन गामा है तो, मतलब वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन गामा 1, 1 होगा। ओके, तो उस केस में हमें डिसाइड करना है एक्स बार की प्रोबेबिलिटी, नहीं लेकिन मुझे लगता है कि इसका वही निकाल लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, हमने ड्राइव किया होगा एक्स ऐसे, तो उसे देख लेते हैं। चलो ठीक, उसे इस फॉर्म में आएगा क्या, नहीं तो इस फॉर्म में अगर नहीं आता है तो, अगर किसी को याद है यहाँ से बताओ कैसे हम लोग ड्राइव करते थे इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल। पहले तो हम पाइवट क्वांटिटी ढूंढते थे, तो इस केस में क्या होगा? टू बाय लैम्डा समेशन एक्स आई, ऐसा कुछ किया होगा हमने, देखो इसमें। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? काई स्क्वायर 2n। बाकी लोग चेक कर लीजिए वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला से है ना, मतलब वो आ जाता है यहाँ से, क्या CDF से है ना, आप वो निकाल सकते हैं कि CDF निकाल लेंगे तो उससे दिख जाता है यूनिफॉर्म 0, 1 है, फिर CDF से यूनिफॉर्म 0, 1, 1 - CDF यूनिफॉर्म 0, 1, तो उससे आ जाता। ठीक है, एक सही है ना। तो यहाँ से हमने क्या करना है फिर, कि प्रॉबिलिटी जैसे आप लोग जब काई स्क्वायर, मतलब जैसे मैं ड्राइव किया था वैसे करूँगा। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इस तरह का इसका अगर ग्राफ है सपोज, सो यहाँ पे है काई स्क्वायर 2n और यहाँ वन माइनस अल्फा चाहिए, चलो मैं टू साइडेड बना रहा हूँ, तो यहाँ से काई स्क्वायर 2n और ये आपका होगा अल्फा बाई 2 और यहाँ जो नंबर आप लिखेंगे काई स्क्वायर 2n, तो आपको देखा आगे टोटल कितनी प्रॉबिलिटी है, तो आगे टोटल प्रॉबिलिटी जो है आप ऐड करेंगे तो 1 - α/2 होगा। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे कि प्रॉबिलिटी कि जो यहाँ पे क्यू की वैल्यू है, क्यू काई स्क्वायर 2n 1 - α/2 से काई स्क्वायर 2n, हालांकि आपको याद होना चाहिए दिस इज इक्वल टू 1 - α, चेक कीजिए प्रॉबिलिटी लिख रहा हूँ मैं दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि प्रॉबिलिटी, अब क्यू वापस रख दो, सो क्यू जब आप रख दोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये है काई स्क्वायर 2n, 1 - α/2 लेस देन, अच्छा हमने क्वेश्चन में वैल्यू दिया है ना, किसका वैल्यू दिया, काई स्क्वायर टर्म दिया क्या, ओके फिर तो ये यूज कर लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि क्यू आपका था 2 लैम्डा, तो इसको एक्स बार में कन्वर्ट कर लो, है ना, इसको ऐसा कर सकते हैं आप, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2n
एक्स बार है ना, सो टू एन एक्स बार अपॉन लैम्डा